दोस्तों आज बांग्लादेश से बेहद ही चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल अर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध के बाद जो हथियार सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया वह तुर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन था। तुर्की के इस ड्रोन ने जिस तरीके से अर्मीनिया के टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों को नुकसान पहुंचाया था, ये देखकर पूरी दुनिया चौंक गई कि कैसे एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ड्रोन किसी देश की सेना को इतना घातक नुकसान पहुंचा सकता है कि युद्ध में इतना निर्णायक साबित हो जाए। उसके बाद यूक्रेन युद्ध में भी तुर्की के इस ड्रोन ने अपनी क्षमता विश्व के सामने साबित करके दिखाई कि कैसे दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना भी तुर्की के द्वारा बनाए गए इस ड्रोन से होने वाले नुकसान को झेल नहीं पा रही। वहीं पर इसके बाद तुर्की के इस ड्रोन को खरीदने के लिए विश्व में कतारें लगनी शुरू हो गई और अब भारत के एक पड़ोसी देश ने भी तुर्की से इस ड्रोन को खरीदने का फैसला कर लिया है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश और तुर्की एक साथ ड्रोन के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों के बीच में कोऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश बहुत जल्द ही तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन खरीद सकता है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि बांग्लादेश चाइना और तुर्की जैसे देशों के साथ अपने संबंध काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है, जो कि भारत के लिए घातक साबित हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश भारत के ठीक बगल में मौजूद है और बंगाल की खाड़ी में एक काफी महत्वपूर्ण देश है। इसीलिए बांग्लादेश में भारत के दुश्मनों का रहना भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उत्तर पूर्वी राज्यों से भी काफी ज्यादा नजदीक है। वहीं हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से भी कुछ सैन्य उपकरण खरीदे थे। वह अलग बात है कि ये सैन्य उपकरण बांग्लादेश की सेना के लिए एक सिरदर्द साबित होने लगे क्योंकि ये सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे और चीन बांग्लादेश को इन्हें ठीक करके भी नहीं दे रहा था, जिससे बांग्लादेश को नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग ये बात नहीं भूल सकते कि बांग्लादेश चाइना के साथ सैन्य संबंध बना रहा है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ा रहा है और ज्यादा गहरे कॉरपोरेशन के लिए अग्रसर भी है। वहीं पर ये खबर आना कि बांग्लादेश तुर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन को खरीदने वाला है भारत के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि ऐसा करने के बाद बांग्लादेश चाइना और तुर्की से अपने सैन्य संबंधों को इतना मजबूत बना लेगा कि भारत का महत्व बांग्लादेश के लिए धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिसका फायदा तुर्की और चीन उठा सकते हैं भारत को परेशान करने के लिए और हर तरफ से घेरने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश तुर्की से पहली बार किसी सैन्य उपकरण को खरीदने जा रहा है। इसके पहले भी बांग्लादेश ने तुर्की से काफी हथियार खरीदे हैं, लेकिन इस तरीके के ड्रोन को खरीदना भारत के लिए चिंताजनक होगा क्योंकि इससे तुर्की और बांग्लादेश के बीच में बढ़ते सैन्य संबंधों के बारे में पता चलता है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भी भारत के लिए अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भारत के लिए काफी महत्व रखती है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने वाला है और इसके लिए उन्होंने राफेल विमान को शॉर्टलिस्ट भी किया है और शायद फ्रांस के साथ खुफिया तरीके से बातचीत भी कर रहा है। हालांकि ये खबर पूरी तरीके से सही है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन काफी आर्टिकल ऐसे छप रहे हैं मीडिया में जिससे इसके बारे में थोड़ा अंदाजा लग रहा है। इसके अलावा फ्रांस ने भी इसके ऊपर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, जिसकी वजह से इस खबर की पुष्टि कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। लेकिन अगर ये खबर किसी भी तरीके से सच है तो ये भारत के लिए और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि अगर तुर्की के पास राफेल लड़ाकू विमान आ जाएंगे तो पाकिस्तानी वायुसेना को भी इन विमानों का एक्सेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से भारत के पास जो राफेल विमान है वो पाकिस्तान के लिए अनजाने नहीं रहेंगे और पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए तैयारी कर पाएगा, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो फाइटर जेट हमारे पास मौजूद है, अगर उस फाइटर जेट की सारी जानकारी हमारे दुश्मन के पास चली जाए तो भारत के पास इस तरीके के फाइटर जेट होने का फायदा ही क्या होगा, क्योंकि अगर हम अलग विमान खरीदते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि दुश्मन को इस विमान के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, ताकि युद्ध के समय हमें फायदा मिले। हालांकि ये खबर अभी पूरी तरीके से सत्यापित नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ये खबर भारत के लिए काफी ज्यादा महत्व रखती है। इसके अलावा क्योंकि तुर्की और फ्रांस नाटो के सदस्य देश हैं और दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिश्ते भी काफी हद तक ठीक है, इसीलिए इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि खुफिया तरीके से दोनों देशों के बीच में राफेल विमानों को लेकर बातचीत चल रही होगी, क्योंकि तुर्की को अब अमेरिका अपने F-16 विमान नहीं देने वाला और F-35 लड़ाकू विमानों के प्रोग्राम से भी तुर्की हाथ धो बैठा है। इसीलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि तुर्की फ्रांस के साथ मिलकर राफेल लड़ाकू विमान लेने के बारे में बातचीत कर रहा होगा। खैर, इस पर जो भी स्टेटमेंट आई है वो तुर्की की तरफ से आई है, फ्रांस ने कुछ नहीं बोला है। अभी खाली तुर्की ने शॉर्टलिस्ट किया है, देखना होगा कि क्या फ्रांस इसे ऑफर करता है या नहीं और वहां से क्या स्टेटमेंट इसको लेकर आती है। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरा एक सवाल है कि 1% अगर तुर्की फ्रांस से राफेल विमान को ले लेता है तो क्या भारत को 114 फाइटर जेट वाले टेंडर के लिए अमेरिका के F-15EX की तरफ जाना चाहिए या हमें तब भी राफेल पर ही रुकना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वहीं बांग्लादेश और तुर्की के बीच हो रही सैन्य डील पर भी अपने विचार दें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।